हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे मैं सारी इंटीरियर से रिलेटेड और हाउस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारी वीडियो शेयर करता रहता हूँ विद प्राइस एंड रियल एप्लीकेशंस। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, इससे आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करोगे। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ आ ही गया होगा आज की वीडियो में हम क्या बात करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जो हमारी लेमिनेट होती है वो हम जो हमारा बोर्ड होता है उस पर कैसे लगाते हैं वही बताऊंगा मैं सब। देखिए, जैसे कि हमारा जो लेबर है, हम ये फेविकोल से लगा रहे हैं, SH फेविकोल SH करके आप जाइएगा अगर आप शॉप पे जाओगे लेने। तो दोस्तों, सबसे पहली जो चीज़ होती है वो पूरा जो सरफेस है बिल्कुल क्लीन कर लीजिए आप, एंड देन क्लीन करके ही ये जो फेविकोल होता है, फेविकोल पूरा अच्छे से लगाइएगा। जैसे पूरी लेबर लगा रही है इस तरीके से लगा के पूरा फैला दीजिएगा। बिल्कुल प्लेन होना चाहिए सरफेस, कहीं गुत्था ना रह जाए फेविकोल का, क्योंकि थोड़ा अगर बिल्कुल प्लेन नहीं मिलेगा लेमिनेट को तो वो थोड़ा उभरा हुआ लगेगा हमेशा आपको लेमिनेट। एंड लेमिनेट उसी साइज़ का काटिएगा, उससे थोड़ा सा बड़ा काटिएगा, क्योंकि जो किनारी है थोड़ा बाहर निकल जाए ताकि बाद में हम रंदा लगा के वो बिल्कुल प्लेन कर सकें। तो और एक टिप और दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हो, ये पीछे कुछ भी लगा होता है, जैसे स्टिकर लगा हुआ है, ये हमारा रंदा लगा के सारा का सारा स्टिकर निकाल रहा है लेमिनेट के पीछे। तो दोस्तों, लेमिनेट का जो बैक वाला पोर्शन है वो बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, इसमें आपको कुछ भी नहीं लगाना चाहिए। स्टिकर लगाया तो आपको निकाल देना चाहिए, अगर नहीं निकालोगे तो वहाँ का जो पोर्शन है उस पर फेविकोल नहीं पकड़ करेगा, और आपको हर जगह फेविकोल की पकड़ देनी है। अगर आप मजबूत चाहते हो, बिल्कुल प्लेन चाहते हो, उभरा हुआ सरफेस नहीं चाहते हो लेमिनेट का, तो इस तरीके से कुछ लेमिनेट लगाते हैं दोस्तों। आप आराम से पूरा और देखिए कैसे कर रहे हैं लेबर, इसी तरीके से करना है आपको, बिल्कुल सेम टू सेम। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ एक प्रोसेस बताने का कि कैसे हम लेमिनेट लगाते हैं इस तरीके से दोस्तों। एंड देन लगाने के बाद दोस्तों, कम से कम 1 से 1.5 घंटा ऐसे रखना है, इसके ऊपर थोड़ा वेट रख देना है ताकि ये बिल्कुल सेट हो जाए। एंड आप इससे टेप ये भी लगा सकते हो, ये हमने दो बोर्ड लगाए, लेमिनेट लगाए, और उनको आपस में हम टेप लगा के रख रहे हैं ताकि ज़्यादा प्रेशर रहे और बिल्कुल प्लेन सरफेस मिले हमें, थोड़ा उभारपन ना मिले उसमें। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए, ये मैं कह रहा था थोड़ा आप साइज़ बढ़ा ही लीजिएगा, क्योंकि किनारा कहीं टूट ना जाए तो छोटा ना रह जाए। अगर किनारा आपका बड़ा होगा तो रंदे से इस तरीके से आप कुछ कर सकते हो, एंड चारों तरफ से प्लेन हो जाएगा दोस्तों। एंड दोस्तों, एक चीज़ और है, जो इसकी जो कॉर्नर्स बन रही है उस पर PVC टेप लगती है दोस्तों। ये लेमिनेट नहीं आती है, PVC लेमिनेट नहीं है, इसलिए इसकी एज बैंड नहीं होगी, ये हमारी टेप अलग से लगेगी दोस्तों, वो मैं दिखाऊंगा आपको। तो दोस्तों, ऐसी ही वीडियो शेयर करता रहता हूँ मैं, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, आपको वीडियो को जरूर लाइक करना अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है। फिर मिलता हूँ दोस्तों।